हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं अपने कोचिया प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है कि हम जितने भी पॉट लिए हैं उनमें होल बना ले। मैंने ऐसे ही इनको रख दिया था इसके अंदर। हम देखिए, जब भी आप प्लास्टिक का कोई पॉट खरीदते हैं ना, तो उसके नीचे होल नहीं होते, वो आपको खुद बनाने पड़ते हैं घर पे। सिर्फ जो नर्सरी पॉट्स होते हैं वो और एक थर्मोफोम के पॉट्स होते हैं उनके अंदर होल बने होते हैं, बाकी सबके अंदर आपको खुद बनाने होते हैं। ये होल ना आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। पेचकस को गर्म करके गैस पे उसके साथ बना सकते हैं, या फिर कोई तीखी चीज़ कैंची चक्कू या कोई चीज़ लेके उसके साथ भी ऐसे, ये देखिए, उसके साथ भी आप ऐसे होल बना सकते हैं। तो इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है होल बनाने का। तो ऐसे और पर मेरे पास ये सोल्डिंग आयरन है, तो मैं इसके साथ होल बनाऊंगी अपने सारे पॉट्स में और उसके बाद इनको रिपोर्ट करूंगी। ये देखिए, मैंने सब में जो है वो होल बना लिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप ऐसे प्लास्टिक के पॉट्स में होल बनाएं ना, तो आप काफी सारे होल बनाएं, एक दो होल से नहीं चलेगा, काफी सारे होल बनाने पड़ेंगे आपको। और ये देखिए, मैंने ना साइड्स पे भी होल बनाए हैं, ताकि अगर कई बार क्या होता है कि हम ऐसे सरफेस पे रख देते हैं कि नीचे से पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता, तो कम से कम जो साइड वाले होल्स होंगे उनसे जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है वो आसानी से ड्रेन हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने ये देखे अपने जो हैंगिंग बास्केट्स खरीदी थी उनमें भी सब में होल्स बना लिए हैं। अब हम इनमें भरेंगे मिट्टी और अपने पॉट्स को, कोचिया के प्लांट्स को रिपोर्ट करेंगे पॉट्स में। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी कैसे रेडी करनी है ये ना मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, बाहर से लाई हुई मिट्टी को आपको कैसे अपने पॉट्स के लिए रेडी करना है। पर ये वाली जो मिट्टी है ना, ये मेरे अपने पुराने पॉट्स की ही मिट्टी है, तो इसमें मुझे इतना कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं इसे थोड़ा सा और फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करूँगी, फंगीसाइड ऐड करूँगी और इसमें अपने कोचिया के प्लांट्स को लगा दूँगी। कोचिया प्लांट है ना, जो उसको नाइट्रोजन वाली मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है ना, वो वाली मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं जैसे गार्डन सॉइल ले ली है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी गोबर की खाद और थोड़ी सी हल्दी, और फिर मिक्स करके मैं अपने प्लांट्स को लगा दूँगी। ये देखिए, अंदाजे से मैंने कुछ गोबर की खाद डाल दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि किसी भी तरह का कोई फंगस ना आए मिट्टी में। मेरी मिट्टी ना काफ़ी वेल ड्रेन है, क्योंकि मैंने पहले इसमें जो भी रेत है या कोकोपीट है, राइस हस्क है, ये सब चीज़ें मिलाई हुई हैं। पर अगर आप बाहर से मिट्टी लाते हैं ना, तो पहले आपको मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना होगा, थोड़ी रेत भी ऐड करनी होगी, थोड़ा कोकोपीट भी ऐड करना होगा, ताकि मिट्टी जो है ना एकदम से वेल ड्रेन है वो बन जाए। ये देखिए, मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, अब मैं इसे पॉट्स में फिल करूंगी। पॉट को फिल करने से पहले ना, जो हमें ड्रेनेज होल होते हैं वो कवर करने हैं, ताकि जो हमारी इसमें से पॉट में से मिट्टी ना बहे पर पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो उसके लिए ना आप ऐसे सूखे पत्ते वगैरह जो होते हैं हमारे घर में गार्डन में से निकलते हैं, उनको भी नीचे रख सकते, डाल सकते, ताकि ड्रेनेज होल जो है वो कवर हो जाए। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे कोई पुराना कपड़ा लेकर उस कपड़े को नीचे से रख सकते हैं, इससे भी ड्रेनेज होल जो है वो कवर हो जाएंगे, पर जो मिट्टी है वो बहकर बाहर नहीं आएगी। या फिर आप छोटे छोटे कोई कंकर पत्थर होते हैं ना ऐसे, उनको भी उनसे भी ड्रेनेज होल को कवर कर सकते हैं। ये टूटे हुए गमलों या मटकों की ठीकरियां, उनसे भी आप ड्रेनेज होल को कवर कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर कपड़े से कवर करूंगी, कपड़ा रख दूंगी और कुछ सूखे पत्ते डाल दूंगी ऊपर से। ड्राई लीव्स मेरे पास होते हैं गार्डन में, बहुत निकलता है रोज ना पत्ते, तो मैं वो डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर मिट्टी फिल करूंगी। और थोड़ा मिट्टी फिल करने के बाद ना, थोड़ी जैसे आधी
या उससे भी कम मिट्टी फिल करने के बाद पहले ना प्लांट रख के देख लो कि प्लांट जो है वो पूरा इसमें सही है या नहीं, कहीं क्योंकि प्लांट को ना ज्यादा ऊंचा करके नहीं रखना, मतलब इतना सा जो है इतना पोर्शन ना आपका खाली रहे जिसमें कि हम पानी ऐड कर सके। तो पहले हम प्लांट को रख के देख लेते हैं। ये इस प्लांट को मैंने थैली से बाहर निकाल लिया है, अब इसकी नीचे की हल्की हल्की रूट्स को हम ओपन कर लेंगे और ये देखिए ऐसे रख के देखेंगे तो ये बिल्कुल सही पोजीशन है। हल्का सा इस साइड से भी रूट ओपन कर लेते हैं और ये ऐसे रख के देख लेते हैं, बस इतना ठीक है। अब हम बाकी आसपास सारी मिट्टी को फिल कर देंगे। मिट्टी फिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको पौधे को जो है प्लांट को हम पानी दे देंगे ताकि पौधा हमारा पूरा सा पूरी तरह से इसमें न्यू पॉट में सेट हो जाए। और अच्छी तरह से एक बार ना आप पौधे को ऐसे गमले को हिला भी दे पॉट को ताकि कोई भी एयर पॉकेट जो है वो गमले में ना रहे आपके पॉट में, क्योंकि अगर एयर पॉकेट्स रह गई ना तो वो उससे हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। ये देखिए पौधा हमारा लग गया और अब हम इसे वाटरिंग कर देंगे। पहली बार जब आपको पानी देना है ना पूरी अच्छी तरह से देना है ताकि पानी जो है ना वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। उसके बाद जो है तब आपको पानी तभी देना है जब आपको ऊपर की मिट्टी थोड़ी ड्राई दिखे, उससे पहले आपको वाटरिंग नहीं करनी है। ये देखिए हमारी मिट्टी इतनी वेल ड्रेन है कि पानी कुछ ही सेकंड में जो वो निकल गया है। ऐसे मैं अपने सारे प्लांट्स रिपोर्ट कर लूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है कि कोचिया प्लांट को कैसे रिपोर्ट करना है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर ऐसी ही वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।